हेलो एवरीवन, टीना किचन में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हमने बहुत सारी चिली की रेसिपी शेयर करी। हमने सोया चिली बनाए थे, ड्राई चिली बनाए थे, पनीर चिली बनाए थे, बहुत सारी रेसिपी हमने चिली की शेयर की है। पर आज की रेसिपी हमारी इडली चिली है, जो कि काफ़ी टेस्टी लगती है खाने में। सोचे क्यों नहीं आज हम इसी इडली को कुछ यूनिक बना दें, तो हमारे बच्चों को काफ़ी पसंद आता है, तो सोचिए आप लोगों के साथ में भी शेयर करूँ। बहुत ही कम मेहनत में बनने वाली रेसिपी है। तो इसे बनाने के लिए हमने इडली को पहले से बना के रखे थे। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट रुई की तरह हमारी इडली बनके तैयार हुई है। तो अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको इसकी रेसिपी बहुत जल्दी शेयर कर देंगे। इडली की एकदम सॉफ्ट रुई की तरह इडली बनके आपका तैयार होगा इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे ना, बारी बारी से सारे इडली को हम साचा से निकाल लेंगे। ये देखिए बहुत आसानी से आपका एकदम इडली जो है निकल के तैयार हो जाएगा। ये देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से रेसिपी बताऊँगी आप लोगों को, तो आप लोग हमें कमेंट जरूर से करिएगा। तो ये देखिए हमने बारी बारी से इडली हमने निकाल ली है। तो अगर आपको जितना इडली का बनाना हो उस हिसाब से आप इडली ले लें। तो हम इडली को ले लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, बाउल ले लेंगे उसमें। और जिस तरीके से हम लोग पनीर को छोटा छोटा पीस करते हैं बनाने के लिए चिली, तो उसी तरीके से इसको भी छोटा छोटा पीस करेंगे। आप यकीन नहीं करोगे, अगर किसी को देते हो ना चिली इडली, तो आप जो भी खाएगा ना आपकी तारीफ़ करते नहीं थे, कोई नहीं जान पाएगा कि आपने ये इडली से बनाया है। पनीर भी इसके सामने में फेल, इतना काफ़ी टेस्टी लगता है ये खाने में। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से सारी इडली को हम काट लेंगे। तो ये देखिए हमने छोटा छोटा पीस पनीर की तरह कर लिए हैं। अब इसमें कुछ स्पाइसी मसाला डालेंगे। तो हमने डाल दी इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब इसमें हम डाल देंगे टेस्ट के अनुसार नमक, फिर इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, फिर इसमें हम डाल देंगे काली मिर्च पाउडर। आप एक बार जरूर से ट्राई करिएगा मेरे कहने पे चिली इडली, इसके सामने में सारी चिली आप खाना फूल जाओगे, इतना टेस्टी लगता है खाने में। तो ये देखिए हमने इसमें डाल दिए हैं 2 चम्मच भर के, हम इसमें कॉर्नफ्लावर डाल दिए हैं। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। अगर आपको लगे कि ये ड्राई है तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हल्का अच्छे तरीके से, यानी कि पूरी इडली के ऊपर कॉर्नफ्लावर का कोटिंग हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से हम अच्छे तरीके से क्या करेंगे, इसको हम करेंगे अब मिक्स। ये देखिए हमारा जो है चिली इडली के लिए तैयार है इडली, यानी हमें ये भी फ्राई करनी है। तो जिस तरीके से हम लोग पनीर को फ्राई करते हैं उसी तरीके से हम इसे भी फ्राई करेंगे। देखिए इस तरीके से अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लिए हैं सारी चीज़ों को। अब एक तरफ हमने तेल गर्म होने के लिए कढ़ाई रख दिए थे, तेल हमारा गर्म हो गया है। इसमें हम क्या करेंगे ना, अब एक एक पीस करके सारे इडली को हम डालेंगे। आप एक बार मेरे कहने से ज़रूर से ट्राई करिएगा, यकीन मानिए बहुत बहुत लाजवाब लगता है खाने में। जब एक बार आप किसी को खिला देते हो ना घर वाले को, तो आपके फरमाइश हमेशा रहेंगी कि हमें तो चिली इडली ही खानी है। गर्मा गर्म आप इसे परोसेंगे, बहुत बहुत लाजवाब लगता है। तो आप क्या करेंगे ना, इडली चिली इडली के लिए जो इडली हमने काट के तेल में डाले हैं उसको उलटे प्लेट पे हल्का गोल्डन करेंगे। ये देखिए क्रिस्पी करना है हमें इसे फ्राई करके। बहुत आसानी तरीके से ये बन के तैयार हो जाता है, बहुत ही कम समय में ये नाश्ता बन के तैयार होगा। एक बार ज़रूर ट्राई करें आप लोग। अब इसको हमको अच्छे तरीके से दोनों तरफ से उलटते पलटते अच्छे तरीके से मिक्स करना है, यानी फ्राई करके निकालना है तेल में अच्छे तरीके से। इसको तेल से बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए इडली हमारा अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। तो आप लोगों को मैं याद दिला दूं कि अगर आज की रेसिपी हमारी पसंद आती है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करूँ ज़रूर से करें। अगर पसंद आए तो ही आप लोग लाइक और सब्सक्राइब भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबने हमने इडली को फ्राई कर लिए हैं, अब तेल को थोड़ा कम कर देंगे क्योंकि तेल ज़्यादा था। फिर इसमें डाल दिए अदरक बारीक चॉप किया हुआ, लहसुन चॉप किया हुआ बारीक डालेंगे, हल्का से इसको सौदे कर लेंगे। फिर इसमें हमने हरी मिर्च डाल दिए हैं, इन सभी चीज़ों को जलाना नहीं होता है, सिर्फ हल्का सा सौदे करना होता है। फिर इसमें डाल देंगे प्याज और शिमला मिर्च। बस अब इसको करेंगे हल्का अच्छा से मिक्स, क्योंकि प्याज शिमला मिर्च और जो भी अदरक लहसुन हमने डाले उन सभी चीज़ों को ज़्यादा पकाया नहीं जाता है इस चीज़ में। अब हल्का से मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे हम टेस्ट के अनुसार नमक। याद रहे कि हमने इडली में भी नमक डाले हैं, तो अपने क्वांटिटी के हिसाब से नमक डालें। अब इसको हम कर देंगे अच्छे तरीके से मिक्स। अब हम इसके लिए केचप तैयार किए हैं। तो केचप में हमने तैयार किए थे सोया सॉस, चिली सॉस और टमाटो केचप। हमने विनेगर वगैरह का एक मिक्स बना लिए थे। इस तरीके से सारी चीज़ को निकाल के जितना भी केचप हो आपके पास सारी चीज़ों को आप इसमें मिक्स कर दें और इस तरीके से डाल दें और अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स कर देंगे। केचप डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, कॉर्नफ्लावर लेंगे, जो कि हमने थोड़ा सा पानी डालते हुए घोल तैयार कर लिए थे।
पहले उसके पहले हम डाल देंगे इडली, जो इसमें हमने फ्राई करके रखी है वो इडली को हम इसमें केचप के साथ पहले मिक्स करेंगे, तब जाके जो हमने कॉर्नफ्लावर का घोल तैयार किए हैं वो घोल इसमें हम डाल देंगे। तो ये देखिए घोल डालेंगे और बस इसमें हम डाल देंगे अब थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, जो कि टेस्ट बहुत काफ़ी बढ़ा देता है अच्छा इडली वगैरह का, चिली वगैरह का। तो इसमें काली मिर्च पाउडर डालेंगे और सारे चीज़ों को मिक्स करेंगे। और ये देखिए फटाफट जो ये नाश्ता है ना चिली इडली बन के तैयार है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज की हमारी रेसिपी पसंद आई होंगी, तो आप एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा, मेरे कहने से आप एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। हम गारंटी लेते हैं कि अगर एक बार बना लेते हो आप तो जिसे भी खिलाते हो वो आपकी तारीफ करते नहीं थकेगा और आपको भी बार बार मन करेगा बनाना, क्योंकि इतना लाजवाब ये लगता है चिली इडली खाने में। छोटा हो बड़ा हो हर किसी को पसंद आएगा और कोई नहीं जान पाएगा कि आपने इडली से बनाया, सभी को यही लगेगा कि आपने पनीर से बनाया है, इतना लाजवाब लगता है। ये देखिए हमारी चिली इडली बनके एकदम तैयार है सर्व करने के लिए, तो हमने प्लेट में लगा लिए हैं। दोनों बेटियों को काफ़ी पसंद आया है ये चिली इडली, तो आप एक बार मेरे कहने से ज़रूर से ट्राई कीजिए। ये देखिए दोनों प्लेट हमने उन दोनों के लिए लगा के रख लिए हैं। अब ये देखिए तो कल हम आप लोग से फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, और उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होंगी हमारी रेसिपी। तब तक ध्यान रखें अपना, टेक केयर, बाय बाय।